चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2022 सीजन समाप्त हो चुका है। हालांकि टीम ने प्रयोग मोड में प्रवेश कर लिया है और उनके मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग युवा गेंदबाजों के आकार लेने के तरीके से काफी संतुष्ट हैं। फ्लेमिंग ने कहा कि दोनों गेंदबाजों ने इस फ्रेंचाइजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छे संकेत दिखाए हैं। तेज गेंदबाज चाहर इस सीजन में सीएसके के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं क्योंकि बेंगलुरु में उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चोट लग गई थी। मुख्य कोच ने कहा कि पिच के व्यवहार से वह हैरान थे। फ्लेमिंग ने कहा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के पास मैच के शुरुआती चरणों में कोई डीआरएस नहीं था जिसका वे प्रयोग नहीं कर पाए और एक उम्मीद थी अगर डीआरएस होता तो शायद वह मैच जीत सकते थे। उन्होंने अंत में कहा कि यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस समय ऐसा हुआ। हाँ, हम थोड़े निराश हैं लेकिन यह खेल का एक हिस्सा है। आईपीएल में हमने कई सारे मैच गवाए जिससे टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। यह निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत नहीं थी। आईनेस्ट रिपोर्ट।